hila, yes dai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब वाली फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब खैर खैरियत से हैं। और आज आपको काफ़ी मेरी आवाज़ एनर्जेटिक लग रही होगी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि हम जा रहे थे, दिन का हमारा ब्रंच था जो कि लंच बन गया भाई नादियालों की तरफ। ये लोग आए हुए थे, सादैन भाई लोग आए हुए थे, जुरेज़ लोग, तो इनकी खुशी भी और मतलब कि एक इकट्ठे बैठने का मौका भी। तो ब्रंच रखा था जो कि लंच बन गया था, क्योंकि उसके दरमियान हमारे निकलने से पहले मामू के, जो मेरे मामू हैं, उनके फर्स्ट कज़न आ गए थे, तो वो फिर वो उनसे भी मिलने आए थे, निशीलुंग से भी मिलने आए थे, सादैन भाई वगैरह से, तो इसलिए फिर हमें देर हो गई थी। फिर वो ब्रंच जो था, वो हमने जो 10 बजे पहुंचना था, वो हम लोग 1 बजे उनके घर पहुंचे थे, और वही ब्रंच हमारा लंच बन गया था। और आया बहुत ज़्यादा मज़ा था, मौसम भी बहुत प्यारा था, और हम लोग जा रहे थे ब्रंच लंच करने के लिए। फिर उसके बाद जो है आपको आगे दिखाऊँगी कि फिर हमने रात को क्या किया। आप बॉन्ड की खोलो, वाह नेल पॉलिश बड़ी प्यारी। अच्छा ये वही वाली समरीन ने लगाई। हाँ, मैंने कहा था मेकअप मैंने पेडी मैंने पी थी दावल पीछे मैंने कहा फिर खत्म हो जाएंगे दिन, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और ये इस खूबसूरत से बॉक्स में, वाह ये वाले प्यारे हैं। हाँ ये बड़े भी पहन सकते हैं। हाँ ये मैंने इधर पहन सी नहीं। ये वाली ये किधर से लिए? ये तो नहीं रुमैसा की होंगी, ये रुमैसा की तो नहीं होंगी, बिल्कुल केज के तो नहीं। हाँ ये मामा के ही मिल लगते हैं मेरे तो। ये बाबा तो सुनाए शायद किसी ट्रिप में गए थे। ये तो आम भी मिल रहे होते हैं ना, मतलब ऐसे झुमकियां टाइप, ये लाल कुट्टी मिस्टर के बहुत होते हैं। ये तो आम बाजार में मिल जाते हैं, मुझे ऐसे बहुत पसंद है। ये क्या गोल्ड के हैं? मुझे क्या पता, लग रहे तो हैं। ओ ये क्या है, ब्रेसलेट? हाँ ब्रेसलेट जरूर मैं सब। अच्छा वो रिंग्स तो देखो, ये फप्पू ने दी थी सब। ओह अच्छा, ये शान लाइस इसके लिए छह छोटे उंगली भी आते सही। अच्छा आपने भी स्क्रंचीज ले लिए? नहीं नहीं ये तो आ रहा है, ये मैं तो पैसे जमा कर रही हूँ फिर मंगवाऊंगी, मुझे खेपी इसे जमा कर रही हूँ। जी शादी पे गई हुई है ना माँ, रोटी है 7 बजे खुलती है, 7 बजे आने से रोटी खुलती है, तो 7 बजे तक जो तगियां तगलियां टाइम पहले खाई रही हैं सब। ऐसी पानी पियो, बोतल पियो तो बच्चों रहा लग रहा, पर उठनिया नहीं ना उन्हें बैठनिया नहीं, इतनी से कुछ को ना लग ना ना अगर अंदर घंटा हाँ हाँ बाहर ले उन्हें हम बाहर बैठने नाम उसकी
कीमत में यानी पुरानी गाड़ी ले ले गया। नहीं ये कितने की होगी? बाली भी कराया जरा प्राण है कप्पा रखना प्राण दो महीना थी अच्छा मैं शुरू में आई थी कि मैं खाना नहीं खा रही अच्छा और एक मैगी का है एक वो कर दे मेरा भी सारे वही कर दे मेरा नहीं नहीं एक वो कर दे एक को दो को पांच पांच वो कर दो को और पांच एक दिन पहले हम बेनादिया के गए थे जो कि मैंने आपको दिखाया। उसे अगले दिन हाला मैशी के घर हमारा खाना था और फिर उसके बाद जो है करनैन ने कहा कि मैं आप सबको खाना खिलाऊंगा और रात के 12 इसलिए बज गए थे हमें खाते हुए कि हाला नाजिया एक
शादी पे चली गई थी हरम ऐशी के साथ, और वो इतनी लेट आई थी और उनके बच्चे जो थे तीनों बेटे वो काफ़ी उन पर गुस्सा कर रहे थे कि आपको जाने की ज़रूरत क्या थी, मैं आया हुआ था। सादैन भाई बार बार बोल रहे थे कि मैं आया हुआ था, मैं जाने वाला हूँ, आप उनको बोल नहीं सकती थी। और फिर हमें रात को 12 बजे मंजूस ही खुला मिला था, और फिर हमें खाना खाया था। उसके बाद आइसक्रीम के लिए हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी, ना तहजीब थी, और सिर्फ मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम थी, जो कि फिर हमने कहा था कि नहीं यानी हमने खानी। और जो है फिर उसके बाद हम घर के सफ़र पर रवाना हो गए थे। घर हम पहुंचे थे और ये करनैन देखें कि ज़्यादा ही शोखी मार रहे हैं ज़रा, एक इन ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं, साथ जो है वो सादैन भाई आए हुए थे, तो इन दोनों ने रेस लगाई थी कि पहले जो पोर्च है उसके अंदर कौन गाड़ी लेके जाएगा। और रात को हम 2 बजे जो है घर वापस आए थे, और मंजूस जो हमने खाया था ना वो हमने इतनी देर से उन्होंने मिंट मार्गीटा दिया था। असल में मैं और निशी ये समझे थे कि ये स्प्राइट की जो मिंट फ्लेवर है ये वो वाली होगी, तो हमें क्या पता था कि वो बनाने में, और इनकी इतनी लेट सर्विस थी, इतनी लेज़ी थी उनकी सर्विस कि उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया था, बहुत ज़्यादा। और फिर हमारा बल्कि हमने जब मंजूस वो हम खा रहे थे तो गला हमारा सूख रहा था, पानी तक उन्होंने नहीं दिया था, हमारे साथ ये हालात हुए थे। और लेकिन मज़े का था, मैंने ये दूसरी बार खाया था, एक बार पहले खाया था लेकिन उसकी वो इतना मज़ा नहीं आया था सामने आपको नजर। और ये सुबह का सीन्स देखें क्योंकि बेड सामने था और फिर सारा जो चूना वगैरह ऊपर गिरता होता था हमारे, और बेड के ऊपर भी गिरता होता था, और इस वजह से सेटिंग जो है चेंज कर दी है हमने। और ये नई पेंटिंग है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ अब, इसके ऊपर आयत मैंने लिखनी है। और ये जो ये है ये यहाँ आ गया है, ये करनैन के जूते पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी हुसैन के कमरे में जाके उनकी जूतों वाली अलमारी में रखने हैं। और ये जो कमरे का थोड़ा सा बुरा सा हाल हुआ है ये एक वजह से हुआ है, आपको बताऊँगी कि क्यों हुआ। वो मेरा मेकअप वाला बैग है, मेकअप वाली सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, मेरा बैग इधर पड़ा हुआ है। रात को बहुत थके हुए थे हम, बहुत देर से आए थे, 3 बजे हम आए थे, तो बस फिर इतना ज़्यादा नहीं मेरे से हो सका। और जो है ये लैपटॉप है, ये मोहतरम यहाँ ही रहते हैं क्योंकि अगर अंदर रखते हैं तो फिर इन्हें बाहर निकालने की मुझे याद नहीं आती है, और फिर ये मर मर के चलते हैं। और ये वाली एक पेंटिंग मैंने बनाई थी फाबिया ये लाए रबिक मातु का ज़िबान, ये करनैन को बहुत पसंद है पता नहीं क्यों, हालांकि पहले वो कहते होते थे क्या तुमने गंद मारा, और फिर जब मैंने ये गोल्डन कलर से ये आयत लिखी तो फिर उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। और ये स्वेटर है जो कि अभी हैंग करनी है, ये कैनवस है इसके ऊपर मैंने बेस बनाई है, और जो कि मैं अभी करूँगी इसके ऊपर पेंटिंग करूँगी, पहले तो बेस है फिर वो बेस सूखेगी तो फिर उसके बाद पेंटिंग होगी। और ये वाली जो है ये वाकई अब प्यारी लग रही है। और ये चीज़ें मैं अभी रखूँगी। ये जूते का हाल देखे, रात को जो पहन के गई थी वो भी नहीं रखा। और ये गन देखा है, अब ये सारा मैंने फिक्स करने है। और ये लॉक खुला, और ये अलमारियों की ये हालत हुई हुई है आजकल, बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अलमारियों को। ये क्या यहाँ बैग को भी इधर घुसा देते हैं, ये ऐसे अभी तुम ऐसे ही रहो, तुम्हें ठीक करेंगे, सबको सब कुछ फिक्स होगा इंशाल्लाह। हैंग की वो हैंग करेंगे हम उनकी अलमारी में, क्योंकि वो रोज़ रोज़ कपड़ों को नहीं धोने देते, और शर्ट तब तक नहीं धोई जाती जब तक यहाँ पर मैल नहीं आ जाए, ये देखें, और अभी नहीं आई है। अभी इस शर्ट को हम बिल्कुल भी नहीं धो सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और ये स्वेटर हम हैंग करेंगे,
अभी देखें यहाँ, चलो ये इनके रात के कपड़े हैं, सब फिक्स है। और ये हम खोलते हैं ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए। और ये है अब इनकी बारी आ गई, इनको भी घुसाते हैं। फिलहाल तो तुम लोग ऐसे ही घुस जाओ। ये चलो अभी तुम लोगों की बारी आएगी सही करने की। तब तक बाहर हो आते हैं, देखते हैं सैन में मजा आ रहा है। ओ गुड्डा आया, गुड्डा मीन्स काइट। क्या पता किसका है, डोर की तरह। ओ अच्छा इसे बच्चे का कैसा है। और अब हम चेक करते हैं, मैंने सौंफ वाला पानी गर्म करने के लिए रखा था माइक्रोवेव में, और वो देखते हैं वो गर्म हो गया था। मैंने पिया, पीती हूँ, काफ़ी अच्छा है वो, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रा दुरुस्त करता है। और इसके साथ ही व्लॉग पसंद आए मस्ट लाइक सब्सक्राइब, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Mm-hmm.